तो गाइस कैसे हो आप सारे। और आज मैं बात करूंगा कि मैंने क्लिसन जो जेल है क्लीन सोल जेल, मैं बहुत बार आपको कहा कि ये यूज़ करो, ये करो, वो करो। वैसे ये बेसिकली ये जो क्रीम है ना, ये यूज़ होती है कि डार्क सर्कल वगैरह गायब हो जाए, हमारे छोटे छोटे पिंपल होते हैं या वाइट हेड होते हैं वो ठीक करने के लिए। पर लोग यूज़ करते हैं इसको और मैंने भी यूज़ किया था। वैसे तो मैंने ये डार्क सर्कल के लिए किया था भाई साहब, बाद में यार ये इतना मतलब सुंदरता इससे निखार के आई ना बाहर क्लीन सोल जेल से। तो हम होते हैं ना कि एडिक्टेड से हो जाते हैं कि सुंदर ही लगे यार। 1 वीक यूज़ की तो 1 मंथ जैसे अच्छे से रहे, बाद में ऐसे हुआ था डल पड़ना स्टार्ट हुआ है, फिर से यूज़ करते हैं ऐसे एडिक्टेड से हो जाते हैं। तो आज मैं इस बारे में बात करूँगा कि मैंने क्यों छोड़ दिया यार, जब इतनी अच्छी क्रीम थी। जो न्यू क्रीम आ रही है ना यार, वो पता नहीं क्या हुआ मेरे जो यहाँ पे है ना, ये दिख रहा होगा ये ब्राउन ब्राउन ऐसे आ गया है, परमानेंट होता है जैसे। तो इस वजह से मैंने छोड़ा। और आपको भी कहूँगा कि मेरे पे तो यार ऐसे रिएक्ट कर दी। मैं हमेशा कहता हूँ कोई इफेक्ट नहीं है साहब, ऐसे नहीं है जी, वैसे नहीं है। पर सच में मैं आपको कहूँगा मेरा ये हक बनता है, क्योंकि अपने पे मैं हमेशा यूज़ करके देखता हूँ। तो आपको कहता हूँ जो भी कोई अपडेट होगी आपको बताऊँगा। तो मैंने ये छोड़ दिया है। और मुझे मैं कमेंट भी देखा था कि हम ऐसे डल हो गया ज़्यादा फेस, कि यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। मैंने डॉक्टर से भी ये पूछा, जहाँ से केमिस्ट शॉप टाइप होते हैं ना, वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड भी है वो डॉक्टर है, वो कहता इसके अंदर जो ऐसे हाइड्रोनाइड ऐसे ऐसे कई तरह के मतलब वो होते हैं, नमक एसिड वगैरह जो भी होते हैं, ये सॉल्ट होते हैं जो, भाई इसमें तो कोई और है वैसे, पर होते सारे एक ही हैं। ये थोड़ी सी मात्रा में ना स्टीरॉयड भी डाला होता है। स्टीरॉयड क्या करता है कि जल्दी असर दिखाता है, ठीक है। हम ऐसे हो तो जाते हैं, पर बाद में अगर हमने उसको ठीक करना है, अगर डल हुए हैं फिर से, तो ज़्यादा क्रीम चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा हम स्टीरॉयड देंगे देंगे अपने आप को, तो अच्छा नहीं है ना यार। तो अच्छा है आप ये बंद करना छोड़ दो। और मैंने ये कैसे ठीक किया, पहले तो यहाँ तक आ गया था भाई सब डार्क डार्क। तो इसको मैंने ठीक किया है, एक टोमेटो ले लीजिए आप, टोमेटो को काट के जो योगर्ट होता है कर्ड हमारा, दही, दही के साथ 1 चम्मच दही और एक आधा टमाटर, चाहे एक ले लो वैसे आधा ले लो आप, अगर सर्दियों के दिन चल रहे हैं, इधर तो सर्दी है, तो आधा टमाटर उसका रस निचोड़ ले टमाटर का, यही तो कद्दूकस होता है, उसको ऐसे ऐसे करके पाउडर बना लो, कुछ भी ब्लेंड कर लो चाहे। और फिर उसके अंदर 1 चम्मच दही का डाल के, बड़ा वाला 1 स्पून दही डाल के मिक्स करके, अगर है सर्दी का मौसम आपके जहाँ टेम्परेचर मतलब लो है, तो आप ऐसे तभी लगा सकते हो 5 मिनट के बाद, नहीं तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा 20 मिनट के बाद, फिर मुंह पे लगा के रखें 20 मिनट। आपकी स्किन जलना भी थोड़ा थोड़ा फील हो सकती है अगर आपकी ज़्यादा ही एसिड गए हुए हैं, नहीं तो आप हमेशा 1 वीक के लिए करो और पहली बार में लगा के ही बस कर लो। आपको तभी घर वाले लोग होंगे जो कहेंगे यार, कोई फ्रेंड लोग भी कहेंगे क्या बात है भाई, चमक रहा है आज, क्या हो गया। मतलब इंस्टेंटली वॉश करने के बाद पूरा दिन आप चमकते रहोगे। और जो इससे एक और बात भी है, जो हमारा सन से होती है सन टैन, वो भी ठीक हो जाती है। और आपको तो पता ही है, मेरी ओल्ड वीडियोस भी देख सकते हो कैसा था कैसा नहीं, तो समझ लिया करो। तो यही बात आज मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश की है इस वीडियो के जरिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैंने वो भी वीडियो बनाई हुई है ऐसे क्रीम टाइप ऐसे वैसे, तो सब कुछ बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी कोई ऐसी क्वेरी हो, कोई सवाल हो आप पूछें कमेंट में, और भी ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे हर तरह की। और रिएक्शन वीडियो के बारे में मैं बात कर लूँ, उसके अभी आपको पता है कॉपीराइट का चक्कर आजकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है, तो डर लगता है इसके लिए। तो आप ऐसे बना दो, आगे रिएक्शन भी बना देंगे, सब कुछ मिलेगा इसी चैनल के अंदर, आप जो कहोगे कमेंट में, ओके सब कुछ मिलेगा, ओके।